तो भाई जैसा आपको पता है कि लोग फेसबुक से भी लाखों रुपए महीना कमाते हैं, क्योंकि सेम यूट्यूब की तरह फेसबुक भी हमको पैसे देता है। सेम अगर हम यूट्यूब पर एक वीडियो बनाकर के अपलोड करते हैं और वही वीडियो अगर हम फेसबुक पर अपलोड करते हैं तो वहां से भी पैसा मिलता है। अगर सही तरीके से समझा जाए तो हमने एक वीडियो को बनाया और दो जगह से हमने पैसे को कमाया। तो यही चीज है, अगर आप वीडियो क्रिएटर हैं, अगर आप यूट्यूब चैनल को मैनेज कर रहे हो तो यूट्यूब के साथ साथ में आप उसी कॉन्टेंट को आप फेसबुक पर अपलोड करिए और फेसबुक से आप भी पैसे कमाइए। और अगर सेम पैसे की बात की जाए, गाइस जितना आप यूट्यूब पर कमाएंगे सेम उतना ही आप फेसबुक पर भी कमाएंगे। महीने का अगर 1 लाख अगर आप यूट्यूब से कमाना तो 1 लाख आप फेसबुक से भी कमा सकते हैं। तो गाइस कंटेंट एक ही है, बस आपको 20 से 25 मिनट लगेंगे सिर्फ उस पर अपलोड करने का। कंटेंट एक ही है, एडिटिंग एक ही है, सारा कुछ एक है, सिर्फ अपलोड आपको दूसरी जगह करना होगा, ये आपका काम बढ़ जाएगा। लेकिन अर्निंग आपकी सेम हो जाएगी, क्योंकि फेसबुक पर आपके ज्यादा व्यूज आएंगे, यूट्यूब पर कम व्यूज आएंगे, लेकिन फेसबुक पर आपको कम थोड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है और यूट्यूब पर कुछ ज्यादा होता है, लेकिन व्यूज के मामले में वो ज्यादा रहता है। जैसे आपकी जो अर्निंग है वो यहाँ पर एवरेज रहेगी, यूट्यूब और वीएस फेसबुक में आपकी एवरेज अर्निंग रहेगी। तो गाइस इसके लिए गाइस आपको एक यूट्यूब चैनल तो बनाना होता है, यूट्यूब पर पैसा कमाने के लिए आपको यूट्यूब चैनल बनाना होता है, लेकिन अगर फेसबुक पर अगर आप पैसे कमाएंगे तो फेसबुक पेज आपको बनाना होगा। अब फेसबुक पेज को कैसे बनाना वो गाइस आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि 2023 में आप फेसबुक पेज को कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए गाइस कोई ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती, अगर आपकी फेसबुक आईडी बनी हुई है उसी पर आप फेसबुक पेज बना सकते हैं, बस कुछ स्टेप फॉलो करके। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर वॉइस में ओपन कर लेता हूँ, ओपन कर लिया मैंने यहाँ पर वॉइस में, और मोबाइल स्क्रीन ओपन करने के बाद गाइस क्या करना है कि आपको अपने लोगो पर क्लिक करना है। मैंने सिंपली अपने लोगो पर क्लिक किया, लोगो पर क्लिक करने के बाद गाइस क्या करना है कि यहाँ पर गाइस आपको मिलेगा पेज, तो यहाँ पर पेज पर आपको क्लिक करना। पेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इतने अकाउंट बने हुए हैं ऑलरेडी, तो गाइस आपको करना है कि आपके में एक भी अकाउंट बने हुए नहीं होंगे तो एक भी शो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक क्रिएट का ऑप्शन, तो सिंपली आपको क्रिएट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना। क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो करेगा, तो यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर आपको क्लिक कर देना। जैसे गाइस आप गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको पेज का नेम देना होगा, जो भी आप पेज का नेम रखना चाहते हैं वो आपको पेज का नेम रख लेना, जो यूट्यूब चैनल का नाम रखते हैं सेम उसी प्रकार से आप पेज का नेम रख लेना। जैसे मैं गाइस AB2 पंकज यहाँ पर लिख देते हैं, एबी पंकज हमने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद में नेक्स्ट कर देना, जो भी आपको समझ में आए वो आप पेज का नाम रख लीजिए। इसके बाद में यहाँ से आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना होगा, जैसे मैं यहाँ पर एंटरटेनमेंट में यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ एंटरटेनमेंट यहाँ पर आपको लिख देना है। इसके बाद में गाइस आपको क्रिएट पर क्लिक कर देना। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद गाइस आप एक और स्टेप यहाँ पर बढ़ जाएंगे आगे। अब इससे आगे बढ़ने के गाइस आपको एक दो स्टेप और फॉलो करने होंगे, उसके बाद में आपका पेज क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर गाइस आपको कुछ जनरल चीजें देना है, जैसे बायोग्राफी में आपको देना है, यहाँ पर बायो में है कि आप किस रिलेटेड वीडियोज को अपलोड करेंगे, आप किस प्रकार के हैं। तो गाइस हम यहाँ पर लिख देते हैं एंटरटेनमेंट फॉर फनी, यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे आप जो भी लिखना चाहें, जैसे डिस्क्रिप्शन होता है यूट्यूब चैनल का जो अबाउट सेक्शन होता है, सेम उसी प्रकार से यहाँ पर आपको बायो में लिख देना फॉर यहाँ पर फनी वीडियो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर फनी वीडियो, वीडियो एंड जोक्स। इस प्रकार से आपको लिख देना। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप वेबसाइट अपनी दे दीजिए, वेबसाइट के बाद में आप अपना ईमेल नंबर दे दीजिए, ईमेल देने के बाद फोन नंबर, और यहाँ पर आपको लोकेशन दे देना। ये चीजें अगर आप देना चाहते हैं तो दे देना, नहीं देना चाहते तो गाइस आप नहीं भी दे सकते हैं। उसके बाद में नीचे आएंगे तो आवर्स, यहाँ पर 24 आवर्स आप कर दीजिए, और यहाँ पर गाइस आपको नेक्स्ट कर देना। इतना काम करने के बाद गाइस आपको नेक्स्ट कर देना। यहाँ पर गाइस अपनी प्रोफाइल को सिलेक्ट कर लेना, जो भी आप प्रोफाइल फोटो सिलेक्ट करना चाहते हैं वो प्रोफाइल फोटो आप सिलेक्ट कर लेना, बैकग्राउंड में जो आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो बैकग्राउंड आपको सिलेक्ट कर लेना। इतना यहाँ पर लोड होने के बाद गाइस आपको करना कि यहाँ पर आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, नेक्स्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना। जैसे कि जब नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ये पेज एक स्टेप और आगे बढ़ जाएगा, और आगे बढ़ने के बाद गाइस यहाँ पर आपको फोन नंबर मांगेगा, तो यहाँ से आप अगर करना चाहते तो यहाँ पर एड भी कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ से स्किप करने के बाद गाइस यहाँ पर इनवाइट फ्रेंड्स का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको करना कि यहाँ पर ऊपर वाले पर ही क्लिक रहने देना और यहाँ पर डन कर देना।
अब गाइस क्या हुआ कि आपका पेज जो है वो यहाँ पर क्रिएट सक्सेसफुल हो चुका है। पेज तो क्रिएट हो गया, अब इसको करना थोड़ा बहुत कस्टमाइज, क्योंकि अगर आप यूट्यूब चैनल बनाते हैं उसके बाद में उसका थंबनेल लगाना, उसका डिस्क्रिप्शन लिखना, सारी चीजें आपको लिखनी होती है। ये सेम इसी प्रकार से गाइस आपको भी इसमें थोड़ा बहुत आपको अपना सजा करके रखना होगा। और गाइस यहाँ पर नेक्स्ट करना, नेक्स्ट करना, यहाँ पर आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। अब नेक्स्ट करने के बाद गाइस छोटी मोटी चीजें आपको इस पेज में लिख देना। जैसे मैं यहाँ पर डन पर क्लिक करता हूँ, ये पेज बन चुका है, आपको कवर फोटो लगा लेना है। अब गाइस ये आपका पेज होगा इस प्रकार से शो करेगा, अब इस प्रकार से शो करेगा। तो गाइस देखिए यहाँ पर आपको पोस्ट कैसे करना, पोस्ट करने के लिए यहाँ पर आपको पोस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर अबाउट का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद में गाइस अबाउट में मैंने कोई ज्यादा चीजें नहीं दी है, यहाँ पर फॉर फनी वीडियोस एंड जोक्स दे दिए। इसके बाद में फोटोज आपको मिल जाएंगे, इसके बाद में मेंशन आपको मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर आप पोस्ट पर क्लिक करते हो और यहाँ पर जो भी हमारे माइंड में वो यहाँ पर हम डाल सकते हैं। यहाँ से हम लाइव कर सकते हैं, गेट मैसेज कर सकते हैं और यहाँ पर रील्स भी अपलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर हम सारी चीजें सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे लाइक फोटो या वीडियोज को अपलोड करना चाहते कर सकते हैं, गेट मैसेज, फीलिंग, यहाँ पर सारी चीजें हैं। इसके बाद में गाइस मैं आपको सजेस्ट करूँ कि आपके लिए एक क्रिएटर ऐप इसका आता है, फेसबुक पेज के लिए क्रिएटर ऐप आता है, उसको डाउनलोड कर लेना, उसमें लॉग इन कर लेना। वहां से आप एकदम बायटी स्टूडियो की तरह आप अपने जो पेज है उसको क्रिएट कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं। जैसे हम सेम यूट्यूब के लिए बायटी स्टूडियो ऐप को यूज करते हैं, सेम फेसबुक पेज के लिए एक क्रिएटर ऐप आता है, उसको हम यूज कर पाएंगे, उसमें सारी चीजें होती है जैसे बाइटी स्टूडियो ऐप में होता है। तो ये सारी चीजें आपको कर लेना। अब यहाँ से अगर हम कोई भी फोटो या कुछ भी चीज पोस्ट करना चाहते हैं, लाइक हम यहाँ पर फोटोज पर क्लिक करते हैं, यहाँ से हम कोई भी फोटो सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम नेक्स्ट कर देते हैं, यहाँ पर हम कुछ लिख भी सकते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, ये फोटो जो हमारा यहाँ से पोस्ट हो जाएगा। और यहाँ पर शेड्यूल वेड्यूल तो आपको लगाना नहीं, पोस्ट नाउ पर हमको क्लिक कर देना। और ये सारे सेटिंग्स मैंने आपको बता दें कि सेम इसी प्रकार से लिखना, फोन नंबर और ये वेबसाइट वेबसाइट अगर आप देंगे तो गाइस क्या होगा कि अगर आपकी वीडियो कोई भी देखता है तो वो आपसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकेगा। तो ये चीजें आपकी सेफ्टी के लिए, अगर आप देना चाहते हैं तो दे दीजिए, अगर नहीं देना चाहते हैं, कोई चीज प्रमोट करना है तो आप दे दीजिए, अपना बिजनेस इससे ग्रो करना है तो आपको दे देना, अगर बिजनेस आपको नहीं ग्रो करना है सिर्फ पैसे को अर्न करना है तब आपको ये चीजें नहीं देने, क्योंकि ये आपकी सिक्योरिटी है और ये प्राइवेसी है। तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी और आपका जो पेज है वो क्रिएट हो चुका है। सी डैशबोर्ड पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये सारी चीजें आपको दिखेंगी, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पोस्ट रीच दिखेगी, एंगेजमेंट दिखेगा, न्यू फॉलोवर्स, ये सारी चीजें आपको दिखेंगी। और इसके बाद में गाइस मेन बात आती है इसका मोनेटाइजेशन की। यार यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करने के लिए क्राइटेरिया होता है, पहला 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम। और इस पर भी कुछ क्राइटेरिया होता है, पहला इसका जो क्राइटेरिया होता है वो 10,000 फॉलोवर्स होते हैं। उसके बाद में जो दूसरा क्राइटेरिया होता है वो गाइस होता है 30,000 मिनट्स, वो भी गए 60 दिन के अंदर अंदर आपको ये दोनों चीजें करनी होंगी, आपका क्राइटेरिया कंप्लीट होगा, आप अपने जो फेसबुक पेज है उसको यहाँ पर रिव्यू के लिए भेज सकते हो, उसके बाद में आपका जो पेज है वो मोनेटाइज हो जाएगा और वहां पर ऐड आने लेंगे और उससे आपको पैसे मिलने लेंगे। और यहाँ पर गए एक दूसरा ऑप्शन भी आ चुका, वो गए यहाँ पर स्टार वाला, जो गाइस है यहाँ पर स्टार का, जैसे यहाँ पर मोनेटाइजेशन में अगर मैं चलता हूँ तो यहाँ पर आपको यहाँ पर मिल जाएगा स्टार्स का। स्टार्स का अगर आपको दिखाऊं तो जैसे आपको पता है कि लोग स्टार सेंड करते हैं, तो स्टार के लिए क्या करना होगा गाइस, आपको यहाँ पर 60 दिन के अंदर अंदर 1000 फॉलोअर्स गेन करने होंगे। अगर आपका खुद का कॉन्टेंट होगा तो आप स्टार्स के लिए इलिजिबल हो जाएंगे और आपका जो स्टार का मोनेटाइजेशन है वो ऑन हो जाएगा। वहां से आप 1-2 दिन में अगर आपने फॉलोअर्स कर लिए तो 1-2 दिन के बाद में आप अर्निंग करने लेंगे। तो ये चीज बहुत ही अच्छी है, अगर आप जल्दी से जल्दी ग्रो कर लेंगे तब यार आप जल्दी से जल्दी यहाँ से अर्न भी करने लगेंगे। तो ये सारी चीजें आपने देख ली, यहाँ पर बोनस मिल जाएगा, लाइव एड्स मिल जाएंगी, स्ट्रीम एड्स मिल जाएंगे, सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, ये सारी चीजें हैं। तो यार इन चीजों को आपको देख लेना है और आप जितनी जल्दी से अपने जो पेज है उसको ग्रो कर लेंगे उतनी जल्दी से आप इससे पैसा कमाने लगेंगे। तो गाइस ये सारे स्टेप है जो मैंने आपके लिए बता दिए, फेसबुक पेज बनाने से लेकर के उसका मोनेटाइजेशन तक हमने सारी चीजें बता दी है कि कैसे आपको फेसबुक पेज पर काम करना है और कैसा इसका जो क्राइटेरिया ये होता है जो आपको मोनेटाइज करने के लिए मिलता है। तो ये सारी चीजें आपने समझ ली गाइस, अगर वीडियो आपके लिए कुछ भी इन्फॉर्मेटिव रही है, पसंद आई, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं को सब्सक्राइब कर देना। चलिए इस वीडियो को यहीं पर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।